हमने सभी कटिंग्स को यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब इनको ग्रो करने के लिए हम एक ग्लास ले लेंगे और ग्लास में इन कटिंग्स को कुछ इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद इस ग्लास में अच्छी तरीके से पानी भर लेंगे। अब हम इस ग्लास को एक शेडी जगह पर रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए। कुछ दिनों के बाद जब आपके पौधे में कुछ इस तरह के व्हाइट व्हाइट कलर के रूट्स निकलने लगे, तब आप समझ जाइए आपका पौधा अब रेडी है फिश बाउल में ग्रो करने के लिए। अगर आप इससे पहले ही, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, इस स्टेज में अपने पौधे को डायरेक्टली फिश बाउल में ग्रो करते हैं, तो अगर बाई एनी चांस ये पौधे सड़ गए तो आपके फिश का भी मौत हो सकता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले तो आप इन कटिंग्स को एक ग्लास में ग्रो कर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था।